96 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तालाब का, झील का पूरा, झील का। अच्छा, और राजा जयसिंह ने इसको बनवाया है। नौ नदी और 99 नाले इसमें संगम है। नौ नदियों का संगम यहाँ, नौ नदी और 99 नालों का संगम है। अच्छा, 108 का। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चलेंगे जयसमंद झील, जो कि उदयपुर से अगर आप आते हो तो करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। ये जो उदयपुर से सलूमबर जो रोड जा रहा है हाईवे, वहीं पे बनी हुई है, बीच में आती है, 52 किलोमीटर दूर है। और अगर चावंड होके फिर आते हो आप तो करीब 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, उधर से डायरेक्ट रास्ता आ रहा है। दोस्तों ये छोटू यहाँ पे चाय बना रहा है, फिर चाय पी के फिर आगे जयसमंद की तरफ चलते हैं। छोटू क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश नाम है। अच्छा, चाय बना लेते हो? अच्छा, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है, काफी पुराना भी है, काफी टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जो जा रहे हैं ये चावंड से होते हुए फिर जयसमंद झील की तरफ जा रहे हैं। आपने पिछला वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाला है आपने देखा होगा, चावंड पूरा उसमें दिखाया गया है, जहाँ पे महाराणा प्रताप अपने जीवन का अंतिम वर्ष जो व्यतीत किए थे वो चावंड में ही किए थे। तो हम जयसमंद चावंड से डायरेक्ट रास्ता जाता है, वहीं से जा रहे हैं, बस करीब पहुँचने वाले हैं जयसमंद झील। काफ़ी खूबसूरत झील है और काफ़ी पर्यटक और मतलब बाहर से काफ़ी लोग घूमने के लिए इस झील को देखने के लिए आते हैं। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। ये दोस्तों जयसमंद झील के ऊपर पहुंच चुके हैं। काफी सुंदर और काफी बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है ये पूरी, काफी बड़ी झील है। काफी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बंदर भी काफी सारे हैं, उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों इसी जयसमंद झील के ऊपर बड़े बड़े से हाथी बना रखे हैं संगमरमर पत्थर के। काफी सुंदर झील है पूरी, काफी बड़ी झील भी है, मीठे पानी की, मतलब विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील यही है। यहीं पे एक मंदिर भी बना हुआ है, काफी बड़ा मंदिर है वो है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों शिव जी का मंदिर बना हुआ है, शंकर भगवान का शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। काफी सुंदर मंदिर बना रखा है यहाँ पे। दोस्तों ये जयसमंद झील के यहीं पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा एक शिव मंदिर बना हुआ है जो देखा है। यहाँ पे जो पूजा करते हैं पुजारी जी, इनसे बात करते हैं और थोड़ा जानते हैं इनके इस मंदिर के बारे में। नमस्कार पुजारी जी। नमस्ते। शुभ नाम आपका? कुमार सिंह मैडम। अच्छा, आप यही रहते हैं? यही प्रॉपर्टी। ये मंदिर जो है कितना पुराना है? ये करीब 300 साल पुराना, 1730 में निर्माण हुआ है डैम का। अच्छा, तो करीब 96 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तालाब का, झील का पूरा, झील का। अच्छा, और राजा जयसिंह ने इसको बनवाया है। दो महल है ऊपर, हवा महल बोलते हैं, ऊपर वाला जो टॉप है ये है। अच्छा। और सामने वाला जो रोटी घाणी का। अच्छा। इस प्रकार से ये इतिहास कह रहा है। नौ नदी और 99 नाले इसमें संगम है। नौ नदियों का संगम यहाँ, नौ नदी और 99 नालों का संगम है। अच्छा। 108 का। अच्छा, एक भोलेनाथ का भी जो रुद्राक्ष माला जो है वो 108 की, और ये इसमें नदी नालों का भी 108 का संगम है। बहुत पवित्र जगह है। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं? मैं करीब 3 साल से सेवा में हूँ। अच्छा। 3 साल से गवर्नमेंट का ये है मंदिर,
तो ये स्थापना जो की यहाँ पे शिव जी, ये राजा जय सिंह, महाराणा जय सिंह, अच्छा उनके हाथों से ही है। अच्छा, चलिए धन्यवाद, थैंक्स। दोस्तों यहाँ पे ऐसे संगमरमर पत्थर के हाथी काफ़ी बने हुए हैं इस झील के पुलिये के ऊपर, काफ़ी बड़े बड़े हाथी बना रखे, पूरे पत्थर से बने हुए हैं, ये काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। ये देखो दोस्तों, इस झील में मछलियाँ भी काफ़ी है, टूरिस्ट आते हैं इनके खाने के लिए, मक्का चने और इस प्रकार से मछलियों के खाने के हिसाब से यहाँ पर डालते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। दोस्तों चलो जयसमन झील के अंदर नाव का सफ़र करके आते हैं, पूरा झील के अंदर घूम के आते हैं, बोटिंग करते हैं पूरी। और यहाँ अगर आए हो तो, अगर बोटिंग नहीं की आपने तो कोई मेन से नहीं निकलता। दोस्तों झील के अंदर से नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए जो अंदर झील के अंदर से जो बाहर का पुलिया, और काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है पर्यटकों को अपनी तरफ, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। चारों तरफ पहाड़, बीच में झील बनी हुई है और पीछे जो ये पुलिया नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत पुलिया नज़र आ रहा है यहाँ से। टूरिस्ट भी यहाँ पे बोटिंग का काफ़ी अच्छा आनंद ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और काफ़ी एंजॉय भी आ रहा है। और बीच में बैठा हूँ तो ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर बोटिंग करके। मात्र 200 बोटिंग का जो चार्जेज है यहाँ पे, 100 रुपये चार्जेज लगता है, और पूरा झील के अंदर राउंड करके फिर वापस से लेके आते हैं। काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी मनोरंजन भी करते हैं, आनंद भी आता है। चलिए दोस्तों वापस रिटर्न हो गए हैं, वापस पुलिये की तरफ पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर बगीचा बना रखा है, पब्लिक गार्डन है पूरा, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं विश्राम कर सकते हैं और घूमने लायक है पूरा। चारों तरफ अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल भी है। और दोस्तों नीचे की तरफ जो है, इसके अपोजिट साइड में पूरा ये गांव बसा हुआ है, जयसमन गांव है इस गांव का नाम, काफ़ी सुंदर है। और इसी के ऊपर पहाड़ी पे जय सिंह जी का, जो महाराणा जय सिंह थे उनका महल बना हुआ है ऊपर, और उन्हीं के नाम पे ये पूरी झील बना रखी है, जयसमन झील। काफ़ी सुंदर तरीके से बना रखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। दोस्तों पूरी जयसमन झील देखी, काफ़ी सुंदर झील है पूरी और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए भी आए हुए हैं, जैसे बोटिंग भी की थी। यहाँ आए तो बोटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ दोबारा से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।